नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि देहात ने आप किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों से जुड़ी कृषि कार्य पर आधारित वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। वीडियो सीरीज के इस कड़ी में प्रत्येक शुक्रवार को आप किसानों के लिए धान की खेती पर आधारित वीडियो लेके प्रस्तुत होंगे। तो चलिए करते हैं धान की फसल नामा की शुरुआत। खरीफ मौसम की शुरुआत होते ही सभी किसान भाई धान की फसल की रुपाई शुरू कर देते हैं। समय पर पौधे की रुपाई होने से पैदावार के मापदंड सही रहने के साथ साथ फसल को कई तरह की चुनौतियों को टालने में भी मदद मिलती है। अब भाई धान की बात करें तो फसल का सबसे बड़ा दुश्मनों में से एक पीला तना भेदक कीट, जो कि एक गहरे पानी वाला धान का कीट है, जो गहरे और ठहरे हुए जलीय वातावरण में पाया जाता है। ये कीट पूरे भारतवर्ष और दक्षिणी एशिया देशों में एक प्रकार का गंभीर समस्या है। कीट का प्रकोप नर्सरी अवस्था में देखा जा सकता है और ट्रांसप्लांटिंग या रुपाई से बलिया बनने की अवस्था तक चरम पे रहता है। तो किसान भाई, बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। पत्तियों के नोक पर हल्के पीले कॉटन में लिपटे हुए अंडों की पहचान कर खेत में स्टैम बोरर की पहचान कर सकते हैं। सामान्यतः एक मादा एक बार में 200 से 250 अंडों को धान की पत्तियों में छोड़ देती है। अंडों में से लार्वा निकलते ही धान के तनों में घुस जाते हैं और वहीं अपना भोजन ग्रहण कर खुद का विकास करते हैं। तने के अंदर लार्वा ऊपर और नीचे की ओर जाते हुए तने को अंदर से पूरा खा जाते हैं और उसे अपने मल मूत्र से भर देते हैं। लार्वा के इस प्रकार के भक्षण के कारण पौधे का केंद्रीय भाग सूख के मर जाता है, जिसे डेड हार्ट के नाम से जाना जाता है। इन सूखे हुए पौधों को आसानी से खींचकर बाहर निकालकर किसान नुकसान की पहचान कर सकते हैं। फूल अवस्था में कीट के प्रकोप के कारण व्हाइट हेड या बलियों का सफेद हो जाने से इस कीट की पहचान कर सकते हैं। तो कीट के प्रबंधन के लिए पीला तना छेदक कीट के प्रकोप के कारण फसल को 40-50% का उपज नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए किसानों को समय समय पर खेती में कीट की उपस्थिति का निरीक्षण करने की सलाह देहात द्वारा दी जाती है। जिन किसानों ने अभी तक रुपाई नहीं करी है, उनसे अनुरोध है कि समय पर फसल के स्वास्थ्य के लिए जरूरी कार्यों को संपन्न करें। नर्सरी में पौध अगर 20 से 21 दिनों से ऊपर हो गई तो रुपाई से पहले इनके ऊपरी एक तिहाई हिस्से को काट कर ही रोपण कर दें। इससे अंडे मुख्य खेत तक नहीं पहुंच पाएंगे। फसल में नाइट्रोजन की मात्रा को नियमित रूप से सिफारिश अनुसार ही डालें और समय पर खेत से खरपतवार का नियंत्रण करें। अगर आपके फसल में कहीं पर भी डेड हार्ट दिखाई दे तो तुरंत ही उन प्रभावित पौधों को निकाल कर नष्ट कर दें और रोकथाम के लिए सुझाई है कीटनाशकों का प्रयोग करें। कीटों के नियंत्रण के लिए 170 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के दर से काटअप हाइड्रोक्लोराइड 75% SG का पौधों में जड़ों के पास डालें। इसके अलावा फेनोरॉप्थिन 30% EC 130 मिली प्रति एकड़ के दर से फसल में स्प्रे कर सकते हैं। फसल अवस्था के दौरान कीट की संख्या को रोकने के लिए किसान मित्र बाजार में उपलब्ध अच्छी क्वालिटी का फेरोमोन ट्रैप खेत में लगा सकते हैं, जिससे कीटनाशकों में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। किसानों से निवेदन है कि किसी भी कीटनाशक का बार बार प्रयोग ना करें और अपने नजदीकी देहात सेंटर से कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। फसलों से जुड़े किसी भी प्रकार रोग और कीटों को नियंत्रण के सुझाव के लिए देहात किसान ऐप के जरिए उसकी फोटो क्लिक करके हमारे साथ शेयर करें और हमारे कृषि विशेषज्ञ उसके अनुसार कीटों एवं रोगों से नियंत्रित करने के बारे में बताएंगे। तो बिना किसी देरी करे प्ले स्टोर पे जाकर हमारा देहात किसान ऐप डाउनलोड करें और देहात से जुड़िए। धन्यवाद।